सोनीपत में गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर पुलिस कमिश्नर सतीश बाल्यान द्वारा एक्शन प्लान बनाया गया है और इसी के तहत जिले में 2000 जवानों की अलग अलग स्तर पर ड्यूटी लगाई गई है। वहीं 300 जवान हाईवे और अन्य जगह पर ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए लगाए गए हैं। वहीं जिले में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो इसके लिए 1500 जवान और काफी संख्या में पुलिस राइडर भी लगाए गए हैं। इसी के साथ ड्रोन उड़ाने को लेकर प्रतिबंध लगाने के साथ साथ धारा 144 भी लगाई गई है। छब्बीस जनवरी जो रिपब्लिक डे है इसको धूमधाम से मनाया जा रहा है। दिल्ली में 23 तारीख से इसका सेलिब्रेशन शुरू हो गया है। सो जिसके लिए पहले से ही जनता को जो ट्रैफिक डाइवर्शन के बारे में बता दिया गया है जो लागू है अभी ट्रैफिक व्यवस्था के लिए अच्छे मतलब 300 जवान ट्रैफिक व्यवस्था के लिए अलग से लगा रखे हैं। जो भी दिल्ली की तरफ जो गाड़ियाँ जा रही हैं वो उनको जो असुविधाएँ जो थोड़ी सी फेस करना पड़ रहा है उसको ठीक से डाइवर्ट करने के लिए हमने ट्रैफिक के जमाने लगा रखे हैं। इसके अलावा यहाँ के 144 भी हमने ऑर्डर कर दिया है DCP हेडक्वार्टर ने। जो ड्रोन्स की जो जो फ्लाइंग है वो बैन की हुई है। लोग इस पर ध्यान रखें कि ड्रोन्स जो अनमैन्ड व्हीकल्स जो भी है जो ऊपर नहीं उड़ाना चाहिए। ये बॉर्डर सील कर रखे हैं साहब, इसलिए बंद कर रखे हैं सब, इसलिए जाम लगे हुए हैं। क्या वजह है बताओ? बता रहे हैं जो इंडिया गेट में फेंसन हो रहा है इसके जाम लगा रखे हैं, इधर बॉर्डर पे नहीं जाने देगा इसलिए इधर रोक दिए हैं। पूरे रात से तो परेशान ही परेशान कर रखे हैं। क्या वजह है दिल्ली में? दिल्ली में वो 26 जनवरी के लिए जाम लगा रखे हैं। अच्छा, दिल्ली में गाड़ी प्रवेश नहीं होने दे रहे हैं।